किडनी ट्रांसप्लांट का मामला लंबे समय से चलता आ रहा है और प्रदेश की सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, लेकिन अब दबाव के चलते सरकार इस पर कार्रवाई करती दिख रही है। प्रदेश के निजी हॉस्पिटल्स में गैरकानूनी तरीके से हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब अफसरों के गले का फंदा बन गए हैं। किडनी तस्करी में हुए खुलासों के बाद राज्य सरकार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल किडनी तस्करी में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन विभाग जिम्मेदारों को सिर्फ नोटिस देता रहा। चुनाव का दूसरा चरण पूरे होते ही मंत्रियों ने अधिकारियों जांच कमेटी से दस्तावेज जुटाए और शुक्रवार को सीएम को रिपोर्ट दी। बीजेपी सरकार में ये पहला बड़ा कांड है जिसकी गूंज देश भर में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किवसर से पूरे मामले की जानकारी ली। मंत्री ने दस्तावेजों के साथ सीएम को अब तक की गई जांच से आग्रह कराया। मुख्यमंत्री ने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले में जो जिम्मेदार है उन पर जीरो टॉलरेंस के साथ तत्काल कार्रवाई हो। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने पहली बार फाइल पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए लिखा। साथ ही एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर आंचल शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी से तो खुद मंत्री ने मिलकर इस्तीफा मांगा है। भंडारी के मामले में रिपोर्ट में उनके स्तर पर एक्ट और पावर का गलत इस्तेमाल का जिक्र है। एनओसी के मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड तक मेंटेन नहीं किए। अधीक्षक और प्रिंसिपल के लिए चार चार नामों का पैनल बनाकर भेज दिया गया है। तो वहीं 22 मार्च को भेजे नोटिस के जवाब में डॉक्टर भंडारी ने खुद की भूमिका और चेयरमैन पद का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके लेटर हेड का गलत इस्तेमाल हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।